आज हम बनाएंगे मूंगफली की बर्फी जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूंगफली की बर्फी बनाना। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कच्ची मूंगफली ली है एक कटोरी। तो इसको हम सबसे पहले रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली को रोस्ट करने के लिए हम जो भी बर्तन लेंगे वो थोड़ा सा मोटा लेंगे, अगर पतला लेंगे तो वो जल्दी से जो इसके छिलके हैं वो जल जाएंगे और मूंगफली कड़वी हो जाएगी। तो इसको हम लो फ्लेम पर ऐसे ही 3-4 मिनट तक पका लेंगे। तो मूंगफली जब रोस्ट हो जाएगी तो उसमें हल्का हल्का चट चट की आवाज आएगी और दाने जो हैं वो क्रैक होने लग जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको ऐसे ही रोस्ट करते हुए हल्का हल्का, और ये आपको दिख रहे होंगे दाने जो हैं बीच में से फट गए हैं इसके और कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके जो हैं मूंगफली के वो सारे निकाल लेंगे। मूंगफली के छिलके निकालने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में इसको पीस लिया है और इसकी चाशनी बनाएंगे हम। चाशनी बनाने के लिए लेंगे आधी कटोरी चीनी। चीनी डाल दी है, जितनी हम चीनी लेंगे उसका आधा डालेंगे पानी और इसको लो फ्लेम पर हम गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। चाशनी को हम ऐसे चलाते हुए ही पकाएंगे और इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसे सिर्फ हमें गाढ़ा होने तक ऐसे ही चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेते हैं। चाशनी गाढ़ी हो गई है, गैस बंद कर देंगे और इसे चेक कर लेते हैं। और ये हाथों में ऐसे चिपचिपी लगेगी आपको तो इसका मतलब ये चाशनी तैयार है। हम इसमें एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, नहीं तो बर्फी जो है वो काफी टाइट बनेगी। बर्फी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसमें ये जो हमने पीसा है मूंगफली को उसको डाल देंगे। साथ में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी डालने से जो बर्फी है वो अच्छी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसे अब हम थोड़ा सा 1-2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा सा इसको देसी घी में भून लेते हैं। 2 चम्मच देसी घी डालने के बाद इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जो है वो जरूर डालें, उसी से जो फ्लेवर है बर्फी का बहुत अच्छा आएगा। और इसे ऐसे ही 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी। चाशनी भी जो है वो गरम गरम डालेंगे हम, अगर ठंडी डालेंगे तो एकदम से बर्फी जो है वो जम जाएगी। और इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और जिस प्लेट में हम बर्फी निकालेंगे उसको हम पहले ही ग्रीस कर रख देंगे। हल्का सा घी लगा सकते हैं या ऑयल, जो भी आपको ठीक लगे। ऐसे ही इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ऐसे चलाते रहेंगे। बर्फी पैन से अलग होने लगी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और जिस प्लेट को हमने ग्रीस किया है उसमें इसको फटाफट निकाल लेते हैं। और ये निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा ऐसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसको थोड़ा सेट भी कर लेंगे हम। इसको अगर आपने बिल्कुल ठंडा कर दिया तो इसमें कट नहीं लगेंगे, फिर वो जम जाएगी। तो इसे हल्का ठंडा भी होने देंगे हम 1-2 मिनट के लिए। और ये गरम गरम है अभी, और इसको जैसे हम सेट करेंगे, जैसे हम कट करेंगे पीसेस को, तो ये बिल्कुल वैसे हो जाएगी। बर्फी हल्की ठंडी हो गई है तो हम इसमें अब कट लगा लेंगे। अगर आपको जैसे भी स्क्वायर शेप में या जो भी शेप आपको चाहिए उसमें कट लगा लें, ठंडा ना होने दें। मेरे पास ये कुकी कटर है तो मैं इनसे इनको ऐसे काट लूंगी। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी। मूंगफली की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है जो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये मूंगफली की बर्फी का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।